जेडीयू में सियासी उठक पटक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। दरअसल जीतन राम मांझी ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अरुणाचल प्रदेश की घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। मांझी ने लिखा, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखे। आगे जीतन राम मांझी ने लिखा कि नीतीश कुमार को कमजोर समझने वालों को शायद पता नहीं कि हम मजबूती के साथ हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कई नेता बीजेपी से काफी नाराज हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से नाराज हैं और वह एनडीए की सरकार को गिराना चाहते हैं। न्यूज़ डेस्क।